हेलो दोस्तों, लक्ष्मी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको मच्छर से बचने के प्राकृतिक रामबाण तरीके के बारे में बताना चाहती हूँ। मच्छरों के काटने से पूरी दुनिया में हर साल लाखों लोग बीमार होते हैं या मरते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं दोस्तों। हमारे साइंटिस्ट बताते हैं कि पूरी दुनिया में मच्छरों की 3,000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। गर्मियों में और बरसात में मच्छर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, यही वह समय है जब लोग सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं। मच्छर से होने वाले रोग जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको इस सबसे बचाने के लिए कुछ प्राकृतिक रामबाण तरीके बताना चाहती हूँ। अक्सर हम लोग मच्छरों को मारने के लिए कई प्रकार के स्प्रे वगैरह लाते हैं, मोर्टिन वगैरह, ऑल आउट वगैरह, जैसे जो भी मच्छरों को भगाने के लिए कारगर सिद्ध होते हैं वो हम लाते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इन सब में केमिकल होता है, मच्छर तो भाग जाते हैं या मर जाते हैं लेकिन वो इंसानों को भी कुछ साइड इफ़ेक्ट दे जाते हैं। तो आज मैं आप सबको ऐसे रामबाण प्राकृतिक तरीके बताना चाहती हूँ जिसको यूज़ करने से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा और मच्छर आपको काटेंगे भी नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले है नीम का तेल और नारियल तेल। नीम का तेल कहीं भी मेडिकल शॉप पे आपको कम दाम पे भी उपलब्ध हो जाएगा, और जो नारियल का तेल है वो तो हमारे घर में होता ही है। दोनों को दोस्तों बराबर भाग में लें, एक शीशी में मिला के भर के रख दें, और जब आप सोते हैं तो सोने से पहले आपका जो जो अंग खुला रहता है, आपके हाथ पैर मुंह, वहाँ वहाँ आप इस तेल को लगाने से आराम से सो जाएं। आप देखेंगे दोस्तों कि मच्छर काटना तो दूर, आपके शरीर को छुएंगे भी नहीं। और दूसरा है दोस्तों कि शाम के समय जब आप बाहर टहलने जाते हैं कहीं भी, तो अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लें और कपूर की टिकियां एक कमरे में जला दें और दरवाजे खिड़कियां बंद कर दें। कपूर से इतना ज़्यादा मच्छर डरते हैं कि आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे, अगर अंदर प्रवेश किया है तो तुरंत बाहर निकल जाएंगे। और तीसरा है दोस्तों, खिड़की पर तुलसी का एक पौधा रख दें। तुलसी के पत्तों में इतनी अच्छी गंध होती है कि उन मच्छर उस तुलसी के पौधों के पत्तों से ही डर के मारे दूर भाग जाएंगे। और चौथा रामबाण तरीका है दोस्तों, नीम का तेल लें और नीम के तेल में कपूर की दो तीन टिकियों का उसका पाउडर बना दें। आप कपूर की टिकिया का पाउडर बनाएं और नीम के तेल में कटोरी में मिलाकर रख दें। उस तेल को आप, जो टिकिया आपने मिलाई हुई है उसमें कपूर की, उसका पाउडर, उसको आप स्टोर करके रख दें, एक शीशी में डाल दें। और जब भी कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, रात का समय हो, ट्रैवल कर रहे हो, मच्छर आपको काटते हैं, हमारे बसों में, ट्रेन में अक्सर मच्छर घुस जाते हैं और रात को काटते हैं, तो उस समय आप हाथ पैर में वो तेल यूज़ कर सकते हैं जिससे कि मच्छर दूर भागेंगे, और सोने से पहले भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहे दोस्तों मच्छर मारने के या मच्छर को भगाने के प्राकृतिक रामबाण तरीके। तो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब मी।